नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लखना दून बेबुनियाद फर्जी मामले से निर्दोष साबित होकर बरी हुए संवाददाता निकिलाल और उनके पुत्र। हम आपको बता दें कि यह मामला दिनांक 11 फरवरी 2021 का है, जब निकिलाल ने अखबार में खबर प्रकाशित की थी जिसमें पुलिस द्वारा धाराओं को कम ज्यादा करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। इस खबर के बाद लखना दून थाना प्रभारी KS मरावी और शासकीय सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अशोक सहलाम ने निकिलाल और उनके पुत्रों के खिलाफ षड्यंत्र रचा और बेबुनियाद झूठा आरोप लगाया। इस केस को लेकर पिता और पुत्र भागते रहे, मानसिक रूप से भी परेशानियों का सामना करते हुए हाईकोर्ट जबलपुर से जमानत मिली। लखनादून सिविल कोर्ट के जाने माने एडवोकेट फजील अहमद फिरदौसी ने इस केस को न्याय संगत लड़ते हुए पक्षकार निकिलाल और उनके पुत्रों को निर्दोष साबित करा दिया। षड्यंत्र करने वाले थाना प्रभारी KS मरावी और शासकीय सिविल अस्पताल में पदस्थ अशोक सहलाम के विरुद्ध निकिलाल परिवाद दाखिल करेंगे। निकिलाल ने एडवोकेट फजील अहमद फिरदौसी और उसके स्टाफ का आभार प्रकट करते हुए दिल से धन्यवाद दिया और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हुई थी और इस मामले में मामला कोर्ट में भी गया है, ट्रायल में भी था, क्या कुछ ट्रायल में आपने पाया है और क्या कुछ मामला रहा है? ये थाना लखनादून के अपराध क्रमांक 103/21 धारा 353, 186, 294, 506, 34 में टीवी चैनल के पत्रकार निकिलाल अहरवार, उनके दोनों पुत्र विकास और अरुण के खिलाफ ये मामला संयुक्त तरीके से पुलिस थाना लखनादौन और शासकीय अस्पताल लखनादौन के डॉक्टर सहलाम द्वारा ये मामला बनवाया गया। उसमें विवेचना के दौरान, ट्रायल के दौरान कोर्ट ने इनको बरी कर दिया है। ये पाया है कि मामला पूर्णतः विद्वेषपूर्ण तरीके से पत्रकार के ऊपर बनाया गया। सर आपसे जानना चाहेंगे, दोष मुक्त कर दिया गया है जी, जी सर आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पूरा प्रकरण है तो इसमें बहस के दौरान क्या कुछ आपने पाया है और कहाँ, मतलब आपने आपकी जो पॉइंट रहे हैं क्या कुछ रहे हैं कोर्ट में? जिस समय डॉक्टर सहराम ने बताया था कि मेरे ऊपर ड्यूटी के दौरान अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई, शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया, उस दिन वो डॉक्टर ड्यूटी में ही नहीं था। ड्यूटी रजिस्टर से हम लोगों ने बुला के उसको ट्रेस कराए तो उस दिन वो ड्यूटी में नहीं था, ना ऐसे कोई डॉक्यूमेंट पुलिस ने पेश किए। अब ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कुछ मामला बनता है? ये मानहानि का दावा कर सकते हैं उनके खिलाफ, डॉक्टर अशोक सहलाम के खिलाफ। बाकी और कोई धारा है? परिवाद पेश हो सकता है झूठा मामला दायर करने के लिए। 2021 फरवरी 10 फरवरी के एक लड़के अतुल नाम के से विवाद हुआ था, है ना। उस संबंध में हमने मरावी थाना प्रभारी को सूचना भी दिए थे और वो आए भी थे और उनके आने के पहले वो चला गया था घर से विवाद करके, हमने रिपोर्ट नहीं की। हमारे 354 में भी धारा लगा के बच्चों सहित फंसाया गया मेरे को, है ना। और इसके बाद में हमने एक खबर सोशल मीडिया में डाली थी कि लखनऊ थाना में धारा कम ज़्यादा करने के लिए लगते हैं पैसा, उस संबंध में सोशल मीडिया में मैंने डाला था और अखबार में 15 तारीख को भी छपा था। इसके बाद मेरे को षड्यंत्र के तहत अशोक सहलाम और मरावी द्वारा आवेदन, घटना 11 सुबह 8 बजे की बता के और 15 तारीख को आवेदन दिया गया और मेरे को झूठा प्रकरण फंसा के मेरा पूरा मानसिक और मेरा बहुत इसमें मेरा पूरा शारीरिक और आर्थिक स्तर में बहुत प्रताड़ित हुआ। तो मेरे को फजील साहब ने, एडवोकेट जी ने तैयार भी किए और मेरे को निर्दोष बरी कराए। अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भाई जब बरी हो गए हैं तो अब आगे क्या आपका संबंधित अधिकारी खिलाफ रहे? मैं इस संबंध में परिवाद लगाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को बहुत पड़ताड़ अशोक सहलाम और डॉक्टर अशोक सहलाम और KS मरावी थाना प्रभारी दोनों के ऊपर लगाऊंगा। लखनादून से खबर समय जगत के लिए निकिलाल अहिरवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।